विमला से सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि विमला के सिर में बहुत जुए हैं और वो बहुत मुँहफट है। विमला किसी को भी उल्टी सीधी बातें सुना देती है। एक दिन गांव का एक आदमी विमला से पूजा के लिए चंदा मांगने आया तो विमला ने उसे कहा, तुम लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं है, तुम लोग बस पैसे लेकर मौज करना चाहते हो। मैं पैसे नहीं दे सकती, दो चार जुए ले जाओ। ये बोलकर विमला ने उस आदमी के सर से अपना सर टकरा दिया और विमला के सर से बहुत सारी जुए उस आदमी के सिर में चली गई। वो आदमी बेचारा सिर खुजलाते हुए भाग गया। इसके बाद से सभी विमला से डरने लगे। वो किसी से बात नहीं करती, किसी को कुछ मदद भी नहीं करती। गांव वाले उसके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं। इस बुढ़िया में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ हाँ, ये इंसान के नाम पर कलंक है कलंक। ऐसी जुए वाली बुढ़िया को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन इन सब बातों से विमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी 80 साल की हो गई है लेकिन अभी भी उसमें जीने की इच्छा भरपूर है। एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है तभी उसके पास एक भिखारी आई। माँ जी, दया करके कुछ देंगी, मैंने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन विमला उसे भगाने लगी। पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं, जा भाग यहाँ से, जाके काम कर। छोटे लोग मेरे सामने मत आना। ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप, मैं गरीब हूँ लेकिन इंसान हूँ। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ऊपर सबका हिसाब होगा। ऊपर जाऊंगी तब ना, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। इंसान का घमंड जब चरम सीमा पर पहुंचता है तब उसका अंत हो जाता है। यही इस संसार का नियम है। यमलोक में बैठकर चित्रगुप्त विमला के पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे। विमला के उस भिखारिन को भगा देने के बाद उसका पाप का घड़ा भर गया और चित्रगुप्त अपना खाता लेकर यमराज के पास पहुंच गए। प्रणाम यमराज। बोलो चित्रगुप्त, क्या संदेश है? धरती से एक बूढ़ी औरत को लाना है, उसका समय हो गया है यमराज, उसका पाप का घड़ा भर गया है। हाँ तो देर किस बात की? असल में वो औरत बहुत घमंडी और जिद्दी है, अगर वो नहीं आना चाहे तो। चित्रगुप्त, हम यम होकर एक औरत से डर जाएंगे क्या? मैं अभी दो यमदूतों को भेजता हूँ। यमराज ने दो यमदूतों को बुलाया और विमला के घर जाने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, जरा संभल के रहना, वो औरत बहुत खतरनाक है। यमदूतों ने सोचा कि एक इंसान और कितना ही खतरनाक हो सकता है। वो दोनों विमला के घर में पहुंच गए। विमला तब सो रही थी, यमदूत ने उसे बुलाया। विमला उठो, तुम्हारा समय हो गया है। ए विमला उठो। विमला उठ गई। कौन है, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो, कौन हो तुम लोग? हम दोनों यमदूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ यमलोक में। यमलोक में? मुझे ले जाने आया है? मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर ही चली जाऊँ। भागो यहाँ से। ये सुनकर यमदूत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, यमदूतों से कैसे बात किया जाता है वो पता नहीं है तुझे, चलो कहता हूँ। ये बोलकर यमदूत ने विमला का हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया और तभी विमला ने अपना हाथ छुड़ाकर हाथ में चाकू उठा लिया। मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, भाग यहाँ से। विमला के चाकू के डर से दोनों यमदूत दौड़ने लगे। विमला उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगी और आखिरकार दोनों यमदूत गायब हो गए। असल में वो दोनों यमलोक चले गए और जाकर हाँफने लगे। अरे क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहे हो तुम दोनों, क्या हुआ? महाराज, वो बूढ़ी औरत सच में खतरनाक है, हम दोनों को चाकू दिखाकर भगा दिया, हम दोनों किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भाग आए महाराज। हम दोनों इतने सारे इंसानों को उठा लाए हैं लेकिन किसी ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, सब लोग हमें देखकर डर जाते हैं, कोई कोई तो रो पड़ता है, लेकिन ये औरत तो किसी और मिट्टी से बनी है लगता है महाराज। ये सब सुनकर चित्रगुप्त ने कहा, देखा महाराज, मैंने बोला था ना कि सावधान रहना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये औरत कितनी ढीठ है, इसे लेने मैं खुद जाऊंगा। अगली ही रात को यमराज खुद विमला के पास पहुंच गए। विमला तब अकेली बैठकर अपने बालों से जुए मार रही थी। ये क्या, आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ, कल तुमने मेरे दूतों को भगा दिया था ना, आज मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर विमला ने अपना हाथ चाकू की ओर बढ़ाया और तभी यमराज ने कह दिया,
चाकू उठाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं स्वयं यमराज हूँ, मैं मृत्यु का देवता हूँ, मुझे चाकू दिखाकर डरा नहीं सकती मूर्ख औरत। बिमला ने सोचा कि यमराज बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, कुछ तो करना ही होगा। यमराज चाकू से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? हाँ, खुजली से। ये सब सोचकर बिमला ने यमराज से कहा, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार अपने बाल कंघी करने दीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। यमराज ने बिमला की इस मांग में कुछ अन्याय नहीं देखा। ठीक है, कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन बिमला के मन में क्या चल रहा था वो यमराज को क्या पता। बिमला कंघी करती रही और भर भर कर उसके बालों से जुएं टेबल पर गिरते रहे, और जब बहुत सारे जुएं जमा हो गए तब बिमला ने अचानक से उन सारे जुओं को उठाकर यमराज के ऊपर फेंक दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि यमराज कुछ नहीं कर पाए, वो जुएं यमराज को काटने लगी, यमराज को खुजली होने लगी। अरे बाप रे, ये क्या है, ये क्या, मुझे खुजली हो रही है, अरे बाप रे। यमराज तड़पते रहे और बिमला हंसने लगी। अब आया ना मजा, बड़ा आए थे मुझे ले जाने। यमराज तड़पते हुए वहाँ से गायब हो गए और यमलोक में चले गए। वहाँ जाकर दर्द और खुजली के कारण कूदने लगे। अरे बाप रे, मर गया, मर गया। चित्रगुप्त दौड़ कर आया। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? उस बदतमीज औरत ने मेरे ऊपर जुए डाल दिए हैं। अरे बाप रे, सत्यानाश, जुए बहुत ही खतरनाक है, ये कहीं भी घुस सकते हैं और शरीर से खून पी सकते हैं। महाराज, जल्दी से इन जुओं को निकालने का इंतजाम करो, जल्दी। चित्रगुप्त यमराज के शरीर से जुए निकालने में लग गया। उस तरफ बिमला का मन अहंकार से भर गया। मुझे कोई नहीं ले जा सकता, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन जिस इंसान का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, यही इस संसार का सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यही चीज बिमला भूल गई। उधर यमलोक में यमराज के शरीर से सारे जुओं को निकाला गया। यमराज बहुत गुस्सा हो गए। बदतमीज औरत, मूर्ख औरत, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसे ऊपर ले आना ही होगा, और उसके बाद इसे नरक में भेजूंगा मैं। लेकिन कैसे यमराज, ये तो किसी को भी अपने पास जाने ही नहीं देती, इसे लेके कैसे आएंगे यहाँ पर? ये केवल जुओ को अपने पास जाने देती है, जुओ से इसे समस्या नहीं है, मैं एक जुए का रूप लेकर जाऊंगा। ये बोलकर यमराज ने एक जुए का रूप ले लिया और धरती पर चले गए। बिमला के घर में घुसकर बिमला के सर पर चढ़ गए। बिमला कभी नहाती नहीं थी, इसीलिए यमराज को कोई खतरा नहीं था। अब इस घमंडी औरत को सबक सिखाने की बारी है। एक जुआ दिन में बहुत कम खून पीता है, इसीलिए बिमला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो आज भी अपनी धुन में थी। लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं थी कि स्वयं यमराज जुए का रूप लेकर उसके सर में बैठे हैं। यमराज के पास जादुई शक्तियां हैं। यमराज सर में बैठकर सोच सकते हैं। इसका काम एक ही बार में निपटाना पड़ेगा। और ये सोचकर यमराज ने जुए के रूप में बिमला के शरीर से सारा खून निकाल लिया। बिमला के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और उसका देहांत हो गया। यमराज अपने रूप में वापस चले आए और बिमला की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच गए। वहां बिमला यमराज से माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मुझसे गलती हो गई, दया करके मुझे नरक मत भेजिए। ये बात विधि के विधान से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तुझे तो नरक जाना ही होगा। ये बोलकर यमराज बिमला को नरक भेज देते हैं। वहाँ बिमला को गरम तेल में डुबाया जाता है, बिमला को उसकी सजा मिल जाती है। चाहे जो भी हो जाए, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। सर्दी के मौसम में अक्सर गरीब लोगों का बुरा हाल हो जाता है, और अगर कोई गरीब अपाहिज हो तो जीना और मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। अब्बा, ऐसी सर्दी में भी कोई घर से बाहर रह सकता है क्या? हाँ बेटा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कैसे अब्बा? तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी, मगर ध्यान से सुनना।
मैं आखिर में सवाल करूंगा, उसका जवाब दोगे तो तुमको सर्दी का इनाम मिलेगा। जी अब्बा सुनाओ। एक फकीर एक सड़क किनारे रहता था, वो दिन भर भीख मांग कर खाता। और एक दिन क्या हुआ? अल्लाह तुमको बरकत दे, कुछ दे दो बेटा फकीर को। इतने कमजोर तो नहीं लगते, बैठे भी अच्छे से हो, फिर कमा कर क्यों नहीं खाते? मैं कमा कर ही खाता था साहब, ये तो जिंदगी ने मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या हुआ तुमको? मैं एक कूली था, रोज काम करके अपना गुजर कर लेता था। एक दिन मैं ट्रेन से गिर गया और दोनों पैर गवा दिए, और तुम्हारे सामने बैठा ये फकीर अब चल नहीं सकता। मुझे माफ करना, ये लो कुछ पैसे रख लो। साहब कुछ खाने को दे देते। तभी आदमी की छोटी बच्ची कहती है, लो बाबा तुम मेरा लंच खा लो, वैसे भी आज मेरे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। अल्लाह तुमको बरकत और खुशी दे बच्ची। बेटी तुमको देखकर आज सच में बहुत खुशी हुई। पापा सब आप ही से तो सीखा है, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ये आप ही ने हमको सिखाया है। पापा वो बाबा चल नहीं सकते, मैं उनको और खाना देकर आती हूँ। फिर बच्ची और खाना फकीर को देती है। बाबा लो आप खाना खा लो। बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम सिम्मी है। सिम्मी बहुत प्यारा नाम है बेटा, लेकिन तुमने पहले अपना लंच दे दिया, अब और खाना मुझे खिलाओगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा मैं घर जाकर मम्मी से और खाना ले लूंगी। सिम्मी चलो अब जल्दी घर चलना है। अगली सुबह सिम्मी का घर। सिम्मी बेटा क्या तुमको देर नहीं हो रही स्कूल के लिए? जल्दी चलो। मैं रेडी हूँ पापा, चलो। आज मुझे भी लेट करा दोगी, जल्दी जल्दी कार चलानी पड़ेगी। कुछ दूरी पर सिम्मी बोलती है, पापा कार रोको प्लीज। क्या हुआ, क्यों रुकवाई कार? वो देखो ना पापा, वो फकीर पापा कितनी तेज कांप रहे हैं सर्दी से, उनके लिए कुछ करो ना पापा। सिमी मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, उनके लिए शाम को कुछ करते हैं। ठीक है पापा, लेकिन पक्का आप कुछ करिए। सिमी रोज अपने पिता से कहती है, फकीर भी रोज ही लोगों से कंबल की दरख्वास्त करता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक रात सिमी के सपने में, सिमी बेटा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा सुन होता जा रहा है, मुझे बचा लो बेटा। बाबा ये लो कंबल ले लो। बाबा ये लो कंबल ले लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये बहुत बुरा सपना था, पापा ने बाबा को कंबल नहीं दिया, अगर उनको कुछ हो गया तो, और आज सर्दी भी कितनी है। मेरे घर में तो बहुत कंबल है, एक उठाकर उनको दे आती हूँ। फिर वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और कहती है, मम्मी पापा सो गए, मैं चुपके से दे आऊंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। फिर सिम्मी कंबल उठाने की कोशिश करती है। चलो उठ जाओ जल्दी से, अरे ये कितना भारी है, उठता भी नहीं है। फिर वो कंबल बाहर ले आती है। मैं इसे जैसे तैसे बाहर तो ले आई, लेकिन अब बाबा को ढूंढना पड़ेगा। फकीर सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहा था, उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। या अल्लाह रहम कर, तेरी इतनी बड़ी दुनिया में कोई गरीब का नहीं है, भरी सर्दी में मांगने पर भी कोई एक कंबल तक नहीं देता। बस खुदा अब उठा ले मेरे मौला, सर्दी और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही अब। तभी सिमी उनके पास आती है। अरे बाबा आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको इधर उधर ढूंढती घूम रही हूँ। मैं तो सर्दी में छिपकर इस कोने में सिमटा पड़ा था, लेकिन बेटा तुम इतनी रात में बाहर क्यों घूम रही हो? मैं आपके लिए कंबल लाई हूँ, लो आप इसे ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये मैंने आपको दिया है, नहीं तो मम्मी मुझे मारेगी। तो बेटा मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ले जाओ वापस। बाबा अगर आप मुझे अपना मानते हो तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी, अल्लाह तुझे अच्छी जिंदगी बख्शे। अगली सुबह, सिमी चलो तुमको स्कूल छोड़ा हूँ, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पापा चलो। फिर सिमी कार में बैठकर अपने पापा के साथ जाती है, उसका स्कूल आता है। लो सिमी आ गया स्कूल, अब उतरकर अपनी क्लास में चले जाओ। बाय पापा। शाम में सिमी के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मीनू लाओ वो पैसे दो जो मैंने पिछले हफ्ते तुमको दिए थे, मुझे उनको बैंक में जमा करना है। लाती हूँ रुको। तभी उनकी नजर कंबल को ढूंढती है, वो बहुत तलाश करती है पर उन्हें नहीं मिलता। हाय वो कंबल कहाँ गया? सिमी के पापा रात यहाँ से कंबल उठाए क्या? अरे नहीं
मैं क्या करूँगा कंबल का? लेकिन मैंने सारे पैसे उस कंबल में ही छुपा दिए थे, शायद कंबल चोरी हो गया। मैं इसकी FIR करके आता हूँ, पता नहीं ये औरत भी कैसे कैसे काम करती है, भला पैसे भी कोई कंबल में रखने की चीज होते हैं। फिर वो FIR के लिए जाते हैं, रास्ते में उन्हें फकीर मिलता है जिसने कंबल ओढ़ रखा है, शायद यही मेरा कंबल है, इसको देखता हूँ। सिमी के पापा उस आदमी के पास जाते हैं। ओए, कौन हो तुम और ये कंबल कहाँ से मिला तुम्हें, चलो उठो। फिर वो फकीर का कंबल खींचने लगते हैं। फकीर बाबा तुम, अच्छा तो पहले तुमने मेरी बेटी पर कोई जादू किया और फिर घर से कंबल चुरा लिया, देखो भाई देखो इस ढोंगी को कैसे ये बच्चों के सहारे चोरी करता है। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। वहाँ लोग आ जाते हैं। अरे हर चोर यही बोलता है, मारो मारो। मैंने चोरी नहीं की। तो कहाँ से मिला कंबल? वो कंबल तो मुझे ये मुझे पड़ा मिला, मैंने कोई चोरी नहीं की। इसमें जो पैसे थे वो कहाँ है सच सच बता, वरना जान से मार दूंगा तुझे। मुझे कोई पैसा का नहीं पता, चाहो तो तलाशी ले लो। लो भाई तलाशी लो। फिर लोग उसकी तलाशी लेते हैं। अरे भाई पैसे तो कंबल के अंदर ही सिले हुए हैं, आप निकाल कर देख लो। हाँ हाँ यही पैसे थे, पैसे तो पूरे हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो। चल अब कंबल तू ही रख ले, मेरे पैसे मुझे मिल गए। कुछ दिनों बाद। आजकल सिमी यहाँ नहीं आ रही, क्या उसके घर वालों को पता तो नहीं चल गया? उसके घर जाकर देखता हूँ। फकीर सिमी की तलाश करता है। अरे भाई यहाँ सिमी नाम की बच्ची थी, कहाँ है वो, कुछ दिनों से दिख नहीं रही। वो लोग पास के अस्पताल में गए हैं, सिमी सीढ़ी से फिसल गई और उसकी दोनों आंखों में चोट लग गई, शायद वो देख नहीं पाएगी, उसी का इलाज कराने गए हैं वो लोग। कुछ पता है कहाँ गए होंगे? पास के आई हॉस्पिटल में ही। शुक्रिया। उधर सिमी अस्पताल में भर्ती थी, तभी डॉक्टर सिमी के पिता से कहते हैं, मोहन सिमी अब कभी नहीं देख पाएगी, अब अगर किसी की आंखें उसको लग जाएं, तो वो देख सकती है। फकीर ये सब बात सुन लेता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा न बोलो साहब, वो बच्ची नहीं फरिश्ता है, तुम उसे मेरी आंखें लगा दो, मैं अपनी आंखें उसे दूंगा। लेकिन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि कल कोई ये ना कहे कि खुदा अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं करता। आप मेरी बात मान लो, मेरी आंखें उसको लगा दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सिमी का ऑपरेशन हो जाता है। पापा मैं अब देख पा रही हूँ, आंखों में भी दर्द नहीं होता। फिर सिमी के पिता को डॉक्टर सब बता देते हैं। फकीर बाबा हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? लो आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे रख लो। मैं पैसे का क्या करूंगा, अगर कर पाओ तो इतना करना कि तुमको आगे से कोई भी गरीब मिल जाए इस सर्दी में तो उसकी मदद करना, मेरी तरह कंबल के लिए कोई ना तरसे। मैं सिमी के हाथों से सब गरीबों को कंबल वितरित कराऊंगा। अब्बा की स्टोरी खत्म हो जाती है, फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, हाँ तो बेटा अब तुमको ये बताना है कि इसमें कौन गलत था। सब अपनी जगह सही थे अब्बा, गलत थी तो गरीब की मजबूरी, न वो गरीब होता और न कंबल को इतना तड़पता और न ये सब होता। सच में अब्बा, मजबूरी और गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है।